रात भर सोया नहीं पापा के इंतजार में? आए बोलो, आए देखो वो लोग पापा के लेने के लिए आ गए हैं। हाँ इनका तो लड़का आ गया, हमारा गाड़ी घर तक ही जाएगा। इनका देखिए उधर में फोर व्हीलर आ गया भाई, वो सामने में बोलेरो। इनको लास्ट चाहे रात भर तो चाहे पिला के रखे, इनको खाना नहीं खाने दिए, बोले नींद लगेगा, फिर हम लोग को भी नींद लगेगा। मुनाजिर जी हमारे किधर छिप रहे हैं? अरे मुनाजिर भाई, अरे ऐसे कैसे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। अभी दिन का 11 बज गया भाई, और ब्लॉग थोड़ा लेट मेरा इसलिए स्टार्ट हो रहा है कि हम लोडिंग में अंदर कंपनी के अंदर घुसे थे, वहाँ भाई वीडियो वगैरह बनाना अलाउड नहीं है, हर कंपनी में वीडियो नहीं बना सकते हैं, और एक टाटा स्टील का स्पेशली। तो अभी लोड करके बाहर आ गए हैं, मुनाजिर भाई भी हमारे आ गए हैं हमारे पास में। यहाँ मुनाजिर भाई को जाने नहीं देता कंपनी के अंदर में, तो लोड करने में क्या है, हालांकि पहले सिस्टम था कि खुद से ही बांधना पड़ता था तिरपाल चेन वगैरह सब अपने से ड्राइवर को, लेकिन अभी चेंज किया है रूल, अभी क्या है आदमी रखा हुआ है, क्योंकि मालूम है लोगों को खलासी जाता है नहीं भाई, बांधने में दिक्कत होता है, तो इसलिए अभी बंदा रख दिया है, वो लोग आदमी रखा हुआ है, दो तीन आदमी रहता है, वो लोग फटाफट 5 मिनट में बांध छान के रेडी कर देता है। तो चलिए हो गया और निकल भी गया है गाड़ी हमारा कंपनी के बाहर। अब 3 बजे वाला जब नो एंट्री खुलेगा ना, वापिस चलेंगे अपना पार्किंग, और पार्किंग से बस खर्चा लेना है हम लोग को, यूरिया वूरिया और छोटा फोटा जो भी है करना, मतलब आधा एक घंटा का काम है पार्किंग में, उसके बाद में डायरेक्ट हम लोग निकल जाएंगे। तो भाई अब ऊपर वाले का दया से और आप लोग का आशीर्वाद से हमारा होली लग रहा है घर में बीत जाएगा। सोचे नहीं थे, लग तो रहा था एकदम मन छोटा हो गया था, लेकिन चलिए खैर प्रभु का कृपा से बीत जाएगा होली। और ठीक है दोस्तों, बने रहे वीडियो में, अब यहाँ से निकला जाएगा, पहले 3 बजे यहाँ नो एंट्री खुलेगा, तो 3 बजे यहाँ से चलेंगे हम लोग, पहले खाना वगैरह होटल से मंगा लेते हैं पार्सल, और खाया जाएगा फिर गाड़ी में। ठीक है भाई, बने रहे वीडियो में। तो भाई अभी दिन का 12:30 बज गया है, और खाना देखिए हम गाड़ी में मंगा लिए हैं होटल से पार्सल। तो खाना हमारा सादा खाना आ गया है जी, दाल भात आलू बैंगन का सब्जी है, इधर चोखा है, और साथ में दही मंगा लिए हैं। गर्मी है थोड़ा, अभी दही वही खाना चाहिए, पेट ठंडा रखेगा। कहा मुनाजिर भाई, अरे बोलिए ना जी, बोलने में पैसा लगता है भाई साहब, बोलबे नहीं करते हैं भाई, कहा बोले। अच्छा ससुराल में भी नहीं बोलते हैं जी? नहीं, मैं मुंडी हिला रहे हैं भाई। चलिए नहीं बोलते हैं तो क्या बोले, जबरदस्ती हम उनका मुंह में नहीं घुस के बुलवाएंगे। ठीक है भाई, तो खाना अभी खाते हैं, उसके बाद एक आध घंटा रेस्ट करेंगे, और फिर यहाँ से निकला जाएगा 3 बजे जब नो एंट्री खुलेगा। तो ठीक है खाना, ठीक है, दही कोई भी चीज का टेस्ट बढ़ा देता है भाई साहब। अभी हम लोग टाटा से निकल गए हैं, और अपना पेट्रोल पंप पे डीजल ले रहे हैं भाई, यहीं पे डीजल फुल कराएंगे, उसके बाद में चलते रहना भाई, आज तो फुल नाइट गाड़ी चलाना है, कल सुबह सुबह घर पहुंच जाना है भाई। और हमारे साथ में एक और ड्राइवर भाई जा रहा है साथ में, तो दोनों तीनों भाई मिल के गाड़ी चला देना है रात भर में, एकदम हजारीबाग सुबह सुबह पहुँच जाना है। क्या भैया, पंप वाले भैया भी बोल रहे हैं एकदम पहुँच जाइएगा, यहाँ पे डीजल का रेट है भैया 92.49 रुपया। ये जमशेदपुर है, जमशेदपुर में डिमना पार्किंग में जो इंडियन ऑयल का पंप है उसी में, यहाँ पे हम लोग का भाई डीजल यही मिलता है, ये हम ही लोग का मालिक का ही पंप है, समझ लीजिए पुराना मालिक का पंप है, नहीं तो ऐसे तो HP का हम लोग का कार्ड है, आप लोगों को तो पता है, लेकिन यहाँ लेना पड़ता है हम लोग को डीजल। चलिए तो यहाँ का टंकी फुल, उसके बाद में फिर उधर UP में कहीं लिया जाएगा डीजल। भाई मुनाजिर भाई गए हैं ATM पैसा निकालने के लिए, अभी तक आए नहीं है भाई साहब, अब उनको फोन करके बुलाते हैं पहले। तो भाई अभी डीजल लेके फिलहाल निकल गए हैं, डिमना मोड़ से हम घूम चुके हैं इधर पार्टी की तरफ में, अपना रांची जमशेदपुर वाला रोड पकड़ लिया हाईवे, आगे आगे मेरा भांजा भी जा रहा है गाड़ी लेकर, वो भी अभी फोन किया था कि बोले मामा कहाँ पहुंचे, तो थोड़ा सा हमको डीजल लेने में लेट हो गया ना, कारण है कि डिमना पार्किंग में भी भरपूर जाम लगा हुआ है, सब होली में अब गाड़ी जो भी गाड़ी आ रहा है तो होली में खड़ा हो जा रहा है गाड़ी, अब होली के बाद ही निकलेगा, तो टोटल गाड़ी जहाँ पर वैसे जैसे मर्जी वैसे जहाँ जिसको जगह मिल रहा है वहाँ लगा चला जा रहा है, अब जिसके चलते पूरा जाम लग गया, हमको डीजल लेने में 1 घंटा से ऊपर टाइम लग गया। खैर ठीक है, अरे भाई साहब देखिए ये हजारीबाग से हमारे रामू भैया, ये भी जा रहे हैं घर, ये भी गाड़ी खड़ा करके जा रहे हैं भाई, इनको लोडिंग भी मिल रहा था लेकिन बोले नहीं नहीं
नहीं करेंगे भाई, फंस जाएंगे तो कहा फंसने के डर से ना ऐसे जा रहे हैं। कोई बात नहीं है, पूरा नाइट चलाना है मुझे, गाड़ी चलाइएगा ना। आराम नहीं देंगे भाई, टेंशन ना लीजिए एकदम सुबह सुबह एकदम हम लोग हजारीबाग पहुंच जाना है। हालांकि ज्यादा कहाँ है जी, 150 लगभग 250 किलोमीटर हमारे घर पड़ो 250। हाँ तो उतना तो अमर मुनाजिर भाई अकेले चला देते हैं, दो बैठ कर एक बैठ कर मुनाजिर भाई। चलिए ठीक है दोस्तों, बने रहिए वीडियो में बस। तो भाई लोग अभी सुबह का बज गया है 4:30 मुनाजिर भाई, 5 बज गया और हम लोग पहुंच गए इटखोरी मोड़। अब भाई साहब का देखिए, इनका बेटा आ गया इनको लेने के लिए घर। क्या छोटू रात भर सोया नहीं पापा के इंतजार में? हाय बोलो। आए देखो बोलो पापा के लेने के लिए आ गए हैं। हाँ तो इनका तो लड़का आ गया, हमारा गाड़ी घर तक ही जाएगा। इनका देखिए उधर में फोर व्हीलर आ गया भाई, वो सामने में बोलेरो। तो यहाँ पे इनको लास्ट रात भर तो चाहे पिला के रखे, इनको खाना नहीं खाने दिए, बोले नींद लगेगा फिर हम लोग को भी नींद लगेगा। अब मुनाजिर जी हमारे किधर छिप रहे हैं? अरे मुनाजिर भाई, अरे ऐसे कैसे रात भर भाई साहब गाड़ी चलाए हैं? देखिए आँख के जगह इनका मुंह लाल हो गया है। तो चलिए चाय बनवाए हैं, अरे रामू जी के छोटे भाई हैं यही लेके आए हैं गाड़ी लेने के लिए। तो चाय पी के इनको विदा किया जाएगा। क्या क्या बेटा, हैप्पी होली बोलो, हैप्पी होली, हैप्पी होली। होली मजेदार मनाएगा ना? पिचकारी उचकारी ले लिया है जी? नहीं लिया है, कोई बात नहीं, अब पापा कल लेगा। चलो ठीक है कल लेना है। अब मुनाजिर भाई आपका पिचकारी कहाँ होगा? अरे देख लीजिए भाई, आप लोग बोलते हैं मुनाजिर भाई से कुछ बुलवाइए, लेकिन अब क्या बुलवाए, कुछ बोलते ही नहीं है भाई साहब। चलिए खैर कोई बात नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम भी घर के लिए निकलते हैं, रामू भाई को भी छोड़ते हैं घर के लिए इनको। तो भाइयों हम लोग भी अपना रोड में अभी देखिए इन कर गए हैं, गांव वाला रोड में। ये इटखोरी मोड़ से हम लोग घूमे हैं, ये इटखोरी जाता है भाई, इटखोरी जो जब माँ भद्रकाली का जो मंदिर है ना वही रोड में, यही रोड में है। तो यहाँ से नेट 12 किलोमीटर में हमारा गाँव है। तो हमको तो उधर ही कानपुर का मेरा माल है, तो इधर से निकल जाएंगे हम सीधा चौपारण अंदर अंदर ही। ये शॉर्टकट रोड भी है और क्या है, अभी 3-4 दिन घर गाड़ी घर पे रहेगा, गाड़ी खड़ा रहेगा तो घर पे रहेगा तो दिक्कत नहीं रहेगा। इधर कहीं मान लीजिए होटल में खड़ा करेंगे तो एक देखिए कितना भी होटल में खड़ा कीजिएगा ना, माइंड थोड़ा टेंशन में रहता ही है कि गाड़ी कैसा है, सुरक्षित है कि नहीं, क्योंकि मुनाजिर भाई भी गाड़ी में नहीं रहेंगे और गाड़ी अपना घर पे रहेगा, घर के पास में तो सेपरेट रहेगा। तो ठीक है दोस्तों बस निकल गए हैं, अब चलते हैं भाई। अभी सुबह का 6 बज गया है, पूरा मौसम फ्रेश हो गया, हम लोग पहुंच गए हैं अब मेरा गांव। तो हमारा गांव का नज़ारा देख सकते हैं, ग्राउंड है हम लोग का दुर्गा मंदिर का, देख सकते हैं सामने ये लाइट खंभा लगा हुआ है। और यहीं पे गाड़ी हमारा देखिए इधर खड़ा हो गया है। मुनाजिर भाई भी अब इनको भी भेज देते हैं अपना घर, ये भी अपना तैयारी कर रहे हैं भाई साहब, सब कपड़ा वगैरह पहन के बस निकलेंगे यहाँ से। देखते हैं भाई हमारा खूबसूरत गांव, सुंदर गांव। अब गाड़ी हमारा परमानेंट यहीं पे गाड़ी खड़ा होता है भाई, ये देख सकते हैं सामने बरगद का पेड़ लगा हुआ है, इसी के नीचे हमारा गाड़ी खड़ा हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं मेरे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद भाई, और आप सबको हैप्पी होली।